हेलो नमस्कार, मेरा नाम है विजय ठाकुर और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ होम वर्कआउट के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप किसी कारणवश जिम नहीं जा पाते हैं, आपकी 3 से 4 दिन की छुट्टी हो जाती है, आप कहीं बाहर रिश्तेदारी में चले जाते हैं, तो आप कैसे अपने वर्कआउट को कंटिन्यू रख सकते हैं, कैसे अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, वही मैं आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। कुछ होम वर्कआउट के बारे में आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही अफेक्टिव वर्कआउट है, मेरा भी फेवरेट है। जब भी मैं जिम नहीं जाता हूँ तो मैं इसी वर्कआउट को कंटिन्यू रखता हूँ और हमेशा इसी वर्कआउट को घर पर ही कर लेता हूँ। तो घर पर रह के भी आप अच्छी बॉडी बना सकते हैं, अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। तो चलिए वर्कआउट को शुरू कर लेते हैं। देखो, कोई भी मेन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले 5 से 10 मिनट की वार्म अप एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको कोई इंजरी ना हो और आपका वर्कआउट अच्छा हो सके। तो हमारी जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है पुशअप। पुशअप आपको कैसे लगानी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पुशअप आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और इससे आपकी पूरी बॉडी पर लोड पड़ता है। ये खाली चेस्ट की एक्सरसाइज नहीं है, इससे आपकी पूरी बॉडी पर लोड पड़ता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और पुशअप लगाते समय आपकी फॉर्म बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। आप देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ, उसी तरीके से आपको करनी है। तो देखो, पुशअप एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले आपको इस फॉर्म में आना है, आपकी फॉर्म बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए और आपके हाथ थोड़ा शोल्डर विड्थ के बाहर होने चाहिए और कमर सीधी होनी चाहिए, गर्दन आपको ऊपर रखनी है। तो धीरे धीरे नीचे जाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से पुशअप एक्सरसाइज पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के आपको 3 सेट लगाने हैं। हर सेट में आप 15 से 20 रेपिटेशन निकालने की कोशिश करें। देखो, अगर आपके पुशअप नहीं लगती हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 15-20 पुशअप एक साथ में लगाने हैं। आप 5 पुशअप से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले आप सीखें, अपनी फॉर्म को करेक्ट करें, तो सीखेंगे तो हो जाएगा। आज आप पे 5 लगेंगे, धीरे धीरे आप 10 पे भी पहुँचोगे, 20 पे भी पहुँचोगे। तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, आपकी फॉर्म बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है बॉडी वेट स्क्वाट। देखो, अगर आपको अपनी मसल्स की ग्रोथ बढ़ानी है, आप चाहते हैं कि आपकी पूरी बॉडी की ग्रोथ हो, तो बॉडी वेट स्क्वाट आपको ज़रूर लगानी है, क्योंकि इससे आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। तो बॉडी वेट स्क्वाट कैसे लगानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बॉडी वेट स्क्वाट लगाने के लिए सबसे पहले आप पोजिशन देख लो। देखो, आपके पैर इतने खुले हुए होने चाहिए और आप हाथ को ऐसे भी रख सकते हो और ऐसे भी रख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी है। चलो मैं ऐसे करके दिखाता हूँ आपको। और आपको ऐसे बिल्कुल पोजीशन सीधी होनी चाहिए, आपकी गर्दन सीधी होनी चाहिए और इसी पोजीशन में आपको ऐसे जाना है नीचे। ये देख रहे हो पोजीशन, देखो पूरा नीचे जाना है, ऊपर ही ऊपर नहीं करना है, पूरा नीचे जाना है और फिर आपको इसी तरीके से धीरे धीरे ऊपर उठना है, फिर पूरा नीचे जाना है, फिर आपको धीरे धीरे ऊपर उठना है। आगे से भी देख लो, इस तरीके से भी कर सकते हो आप, है ना। ये देख रहे हो सीधा, बिल्कुल पूरा प्रेशर लेग पे है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, और जितना ज़्यादा हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन होगा उतना फैट हमारा कम होता जाएगा धीरे धीरे। यानी शरीर में जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा उतनी ज़्यादा मसल्स की ग्रोथ बढ़ेगी। मुझे लीन बॉडी पसंद है, आपको कैसी बॉडी पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। बॉडी वेट स्क्वाट देखो इस तरीके से भी, इस एक्सरसाइज के आपको 3 सेट लगाने हैं और हर सेट में आपको 15 से 20 रेपिटेशन निकालने हैं। और अगर आप पे स्क्वाट नहीं लगती है तो आप पहले 4 से 5 स्क्वाट लगाने की कोशिश करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 30-40 स्क्वाट एक ही बारी में लगाने हैं, आप पहले 5 से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप 40-50 पर पहुंच जाएंगे। अगर आप 40-50 स्क्वाट बड़े आराम से लगा लेते हो और आप चाहते हो कि आपकी थाइज पे थोड़ा सा और लोड पड़े, तो इस तरीके से आप 2 डंबल ले सकते हैं, बहुत सस्ते आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, 600-700 रुपये के मिल जाएंगे। तो इससे आपको क्या करना है कि इस तरीके से डंबल लेना है, इससे आपके शोल्डर भी मजबूत होते हैं, ठीक है, यानी कि थाइज भी बननी है और शोल्डर भी आपके ट्रेन हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से पोजीशन देख लो और ऐसे सीधा नीचे बैठना है। ये देख रहे हो,
इस तरीके से, यानी आपकी थाइज पे भी लोड पड़ रहा है और शोल्डर भी आपके ट्रेन हो रहे हैं, डबल फायदा। तो इस तरीके से आप 10 से 15 रेपिटेशन निकाल सकते हैं। जो नए लोग हैं वो पहले बिगर वेट के करें, फिर धीरे धीरे डंबलों से करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से 10 से 15 रेपिटेशन। तीसरी एक्सरसाइज करनी है आपको बाइसेप की, इस तरीके की आप दो डंबल ले सकते हैं। देखो दो डंबल आपको बहुत सस्ते मिल जाएंगे, दो डंबल आपके पास हमेशा होनी चाहिए। ऑनलाइन आप खरीद लेना, 500 से 600 रुपये के मिल जाएंगे। तो डंबल आप हमेशा रखा करो, जब कभी जिम की छुट्टी हो जाती है तो आप डंबल से घर पे आसानी से वर्कआउट कर सकते हो। तो बाइसेप की एक्सरसाइज करेंगे, देखो इस तरीके से, इस तरीके से। फॉर्म ख़राब नहीं होनी चाहिए आपकी, अगर फॉर्म ख़राब होगी तो उस एक्सरसाइज के आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले देखो ये, ठीक है, बाइसेप कर्ल ये, इसी तरीके से स्लो करना है थोड़ा सा ये, कम से कम 20 रेपिटेशन आप निकालें इस तरीके से स्क्वीज करते हुए बाइसेप को। ब्रीद इन और ब्रीद आउट का विशेष ध्यान रखें इस तरीके से। साइड से देख लो, साइड से देखो इस तरीके से ये, आपकी फॉर्म बिल्कुल सही होनी चाहिए, करेक्ट फॉर्म में आपको एक्सरसाइज करनी है। और 20 रेपिटेशन निकालिए आप, अगर आप नए हैं तो 10 रेपिटेशन निकाल सकते हैं इस तरीके से। कोई जल्दीबाजी नहीं है, आपकी फॉर्म ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो हमारी चौथी एक्सरसाइज भी बाइसेप की होने वाली है, हैमर कर्ल है। तो कैसे करना है आप देख सकते हो, पहले तो आप इस तरीके से, पहले डंबल ऐसे था, अब आपको इस तरीके से पकड़ना है और ऐसे ये देखे हो, फॉर्म ख़राब नहीं होनी चाहिए आपकी। बस इस तरीके से सीधा सा इस तरीके छोड़ देना और इस तरीके से आपको दोनों हाथों से, अब इस हाथ से करेंगे इस तरीके से, इसके भी आप 20 रेपिटेशन निकाल सकते हैं बड़े आराम से। और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इससे आपके बाइसेप में बहुत अच्छा पंप आता है। और बाइसेप का साइज़ बढ़ाने के लिए मैं आपको बता दूं कि बाइसेप का साइज़ बढ़ाने के लिए इससे अच्छी कोई और एक्सरसाइज नहीं है। अगर आप घर पर ही वर्कआउट करते हैं तो ये एक्सरसाइज आप ज़रूर करें। इस तरीके के आप दो डंबल खरीद सकते हैं और डंबलों से ही आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, हैमर कर्ल, ठीक है। बाइसेप को पंप करने के लिए और बाइसेप का साइज तेज़ी से बढ़ाने के लिए, मसल्स मास बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी है। तो हमारी जो पांचवी एक्सरसाइज है वो है ट्राइसेप की एक्सरसाइज। ट्राइसेप बड़ा मसल्स ग्रुप है, इसलिए ट्राइसेप की एक्सरसाइज आपको ज़्यादा करनी है हमेशा। बाइसेप के मुकाबले ट्राइसेप बड़ा मसल्स ग्रुप होता है, तो ट्राइसेप को आप इग्नोर ना करें, ठीक है। तो ये है ट्राइसेप किकबैक, इस तरीके से आपको करना है, थोड़ा सा इस तरीके से बैंड हो जाए और ये देख रहे हो इस तरीके से, तीन चार पाँच छ सात, फॉर्म बिल्कुल सही रखें, 8 9। और ज़्यादा आपको तेज़ तेज ऐसे नहीं करना है, बहुत सारे लड़के ऐसे करते हैं, तो ऐसे नहीं करना आपको, बिल्कुल ऐसे करके स्क्यूज करते हुए मसल्स को इस तरीके से। और इसी तरीके से हम दूसरे हाथ से भी लगाएंगे, दूसरे हाथ से मैं आपको देता हूँ इसी तरीके से ये, तो हमारी छठी एक्सरसाइज भी ट्राइसेप की होने वाली है। तो इस तरीके से डंबल को आप पकड़ लें, ओवरहेड एक्सटेंशन है ये, तो इस तरीके से आपको ये देख रहे होंगे आप इस तरीके से, बिल्कुल आपको डंबल को पूरा ऊपर लेके जाना है और फिर नीचे बड़े आराम से लेके आना है,
ओवरहेड एक्सटेंशन। इस तरीके से आप 15 से 20 रेपिटेशन निकालें एक हाथ से, ठीक है, और दूसरे हाथ से भी आपको इस तरीके से जी। ये आप देख सकते हैं, और ये सातवीं एक्सरसाइज आप इस तरीके से पकड़ लें डंबल को, और ये देखो मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये इस तरीके से यहाँ तक चेस्ट तक लेके जाना है, और फिर ऐसे स्क्यूज करते हुए पीछे पूरा जो ट्राइसेप है ना वो स्क्यूज होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। ये तीनों एक्सरसाइज ट्राइसेप की बेस्ट एक्सरसाइज है होम वर्कआउट के लिए। एक हाथ से आप 10 से 15 रेपिटेशन निकालने, जितने आप इस हाथ से निकालने उतने आपको इस हाथ से भी निकालने, इस तरीके से देख लो, ठीक है, ये इस तरीके से। अब तीन एक्सरसाइज मैं आपको शोल्डर की दिखाने वाला हूँ जो आपको एक साथ करनी है, बीच में आपको कोई रेस्ट नहीं लेना है। देखो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहली एक्सरसाइज आपको जी आपको पोजीशन इस तरीके से लेनी है, और ये इस तरीके से कम आप 10 रेपिटेशन निकालें इस तरीके से, आपको इस तरीके से निकालनी है, और फिर आपको यहीं से ये देख रहे हो, यहीं से आपको ऊपर उठा लेना है इसी तरीके से। ये शोल्डर की एक्सरसाइज, बीच में आपको ब्रेक नहीं लेना है इसी तरीके से, इससे आपके शोल्डर की विड्थ बहुत अच्छी होगी और शोल्डर का साइज भी गेन होता है। देखो अब तीसरी आपको करनी है, इस तरीके से आपको थोड़ा सा झुक जाना है, और ये आगे को होनी चाहिए थोड़ा सा इस तरीके से, इससे आपकी बैक मसल भी थोड़ा ट्रेन होती है, ये देख रहे हो। अब दो एक्सरसाइज आपको फटाफट बैक की भी बता देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज आप डेड लिफ्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ये आपकी फॉर्म देख लो इस तरीके से, ये पोजीशन होनी चाहिए। तो दो डंबल आपको चाहिए और डेड लिफ्ट आप आराम से कर सकते हैं, देखो ये डंबल है, हल्का वेट है, तो रेपिटेशन आप ज़्यादा निकाल सकते हैं, 25 से 30 रेपिटेशन आप निकाल सकते हैं, और इसके आप 4 सेट लगा सकते हैं इस तरीके से। बैक के लिए बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, होम वर्कआउट। तो दूसरी बैक की एक्सरसाइज आप इस तरीके से कर सकते हैं, किसी दीवार को आप इस तरीके से पकड़ लें, और थोड़ा सा पोजीशन आपको इस तरीके से, हिप जो है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए आपकी, और ये डंबल इस तरीके से आपको पकड़ना है, पोजीशन आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, करेक्ट फॉर्म होगी तभी वो एक्सरसाइज के आपको फ़ायदे मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से थोड़ा सा ये देख रहे हो, ये इस एक्सरसाइज के भी आप 3 सेट लगा सकते हैं। तो डंबल हल्का है इसलिए आप 20 से 25 रेपिटेशन तक जा सकते हैं आराम से इस तरीके से। बिल्कुल स्लोली स्लोली
ब्रीद इन ब्रीद आउट का ख्याल रखें। इसी तरीके से दूसरे हाथ से भी हमको करना है, इस तरीके से। तो दोस्तों ये था होम वर्कआउट, आपने देख लिया होगा किस तरीके से मैंने आपको होम वर्कआउट बताया है। अगर आप किसी कारणवश जिम नहीं जा सकते हैं तो ये वाला वर्कआउट आप घर पर करें, आपकी बॉडी फिट रहेगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह के यूजफुल कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।